Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of strength of material. This is chapter number 6. Name of chapter is shear force and bending moment. Numerical में हमें एक cantilever beam दे रखी है, इसके लिए हमें SFD and BMD draw करना है. इसे related जो theory है, shear force क्या होता है, bending moment क्या होता है, shear force diagram क्या होता है, bending moment diagram क्या होता है, ये हम हमारे last वाले two numericals में अच्छे से देख चुके हैं. जो main point है वो है, हमें जो sign convention है वो याद रखना है. देखिए SFD के लिए अगर जो सेक्शन है, सेक्शन के राइट में फोर्स जो है वो नीचे की तरफ एंड सेक्शन के लेफ्ट में अगर फोर्स ऊपर की तरफ है, अगर ऐसी कंडीशन है तो जो साइन लेंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे, एंड इससे अगर अपोजिट कंडीशन है तो उसमें नेगेटिव लेंगे. वेंडिंग मोमेंट के केस में अगर जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन के राइट में जो फोर्स है वो एंटी क्लॉक वाइज, सॉरी मोमेंट है वो एंटी क्लॉक वाइज हो एंड सेक्शन के लेफ्ट में क्लॉकवाइज हो, तो इस केस में हम पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज हम नेगेटिव लेंगे. लेट्स कम टू आर न्यूमेरिकल. आर न्यूमेरिकल इज अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ 2 मीटर. एक कैंटिलीवर बीम हमें दे रखी है, ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम होगी, इसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है. कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 2 kN/m. इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है जो कि कितना है, 2 kN/m का है. लेंथ ओवर द होल लेंथ एंड अ पॉइंट लोड ऑफ 3 kN एट द फ्री एंड. फ्री एंड पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 3 kN का एक पॉइंट लोड है. इसके लिए हमें क्या करना है, ड्रॉ द SF एंड BM डायग्राम, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स हमें ड्रॉ करने हैं इस कैंटिलीवर के लिए. सो सबसे पहले हम एक अच्छे से कैंटिलीवर बीम ड्रॉ कर लेते हैं. ये जो हमारा है ये क्या है, 2 kN/m है, पॉइंट लोड 3 kN का है एंड टोटल लेंथ जो है वो 2 मीटर है. इस बीम में एक यहाँ पे फोर्स है एंड एक ये वाला सेक्शन, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है इन दोनों के नीचे हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे एंड डायग्राम ड्रॉ करेंगे. इस केस में हम सेक्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए हम राइट साइड देखते हैं ना, लेफ्ट साइड नहीं देखते. आप चाहें तो राइट या लेफ्ट कोई भी देख सकते हैं, लेकिन मैं राइट लेके चल रही हूँ, आप भी कोई एक साइड लेके चलिए, या तो राइट या तो लेफ्ट. तो राइट साइड में देखिए एक सेक्शन ये मिल गया, ठीक है, एक सेक्शन हमें मिल गया जहाँ पे ये एक पॉइंट लोड एंड ये कुछ यूनिफॉर्म लोड है, ठीक है. तो यहाँ पे एक सेक्शन हमने मान ली. अगर आगे भी देखें तो कोई और फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमें कहीं और सेक्शन मानने की जरूरत नहीं, इसी वाले सेक्शन से हमारा सारा काम चल जाएगा. इस सेक्शन को एट अ डिस्टेंस एक्स पे हमने मान लिया. नाउ इस साइड हाथ रख लेते हैं, सिर्फ इस साइड हम देखेंगे. देखिए ये फोर्स भी नीचे की तरफ है, सेक्शन के राइट में ये फोर्स भी नीचे की तरफ है एंड ये UDL का भी फोर्स नीचे की तरफ है, यानी SFD के केस में हम जो साइन कन्वेंशन लेके वो पॉजिटिव लेके चलेंगे. तो SF इक्वल टू इस सेक्शन पे अगर हम शेयर फोर्स देखें तो कितना लग रहा है, 3 kN का एक लग रहा है, प्लस ये कितना है, डिस्टेंस x है एंड है कितने का, 2 kN का है, तो हो जाएगा ये टोटल 2x. ये हमारा हो गया शेयर फोर्स एट दिस सेक्शन, ठीक है. लेकिन हमें चाहिए तो यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो इस केस के लिए SF में x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 रख देंगे यहाँ के लिए, एंड यहाँ के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक x कितनी हो जाएगी, 2, यहाँ पे x की वैल्यू 0. तो इस तरह से हमारा SF एट सेक्शन B एंड SF एट सेक्शन A आ जाएगा. इसको राइट डाउन कैसे करेंगे, फिर में SFD की हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ऊपर SFD लिख लिया, SF शेयर फोर्स एट सेक्शन XX ये होगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा. तो हम अगर B पे निकालेंगे तो X की वैल्यू 0 रखेंगे, X की वैल्यू 0 रखेंगे तो SF जो हमारा एट सेक्शन B आएगा डेट इज 3 kN. इसी टाइप से अगर एट सेक्शन A निकालना है तो हमें X की वैल्यू क्या रखनी है, 2 रखनी है, तो उस केस में जो हमें SF मिलेगा एट सेक्शन A डेट इज 7 kN. दोनों ही हमारे SF एट B एंड SF एट A पॉजिटिव है. शेयर फोर्स आ गया तो शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. हमें बी पे शेयर फोर्स कितना मिला है, 3 मिला है, तो एक लाइन ड्रॉ की, इसके ऊपर 3 यूनिट तक गए, ठीक है, 3 kN, एंड एट ए हमें क्या मिला, 7. तो ये यहाँ पे 3 हो रहा है तो 3 से थोड़ा और ऊपर तो 7 हो जाएगा. तो 3 एंड 7 हमें शेयर फोर्स मिल गया एट बी एंड ए. नाउ एक्स की पावर देखें तो एक्स की पावर 1 है, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. तो एक इस पॉइंट एंड इस पॉइंट को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, बना देंगे तो हमारा SFD बन जाएगा, ये हमारा SFD होगा. इसी तरह से हम BMD भी ड्रॉ कर लेंगे. सेक्शन तो एक ही रहेगा, इस केस में दूसरा सेक्शन लेने की जरूरत नहीं, तो BMD के लिए भी यही हम सेक्शन ले लेते हैं. यहाँ इस तरफ हाथ रख लेते हैं, सिर्फ इधर के फोर्सेस देखेंगे तो BM
एट सेक्शन एक्स एक्स, जो ये वाला एक्स एक्स है यहाँ पे बीएमडी क्या हो जाएगा, सॉरी बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से होगा एंड इस यूडीएल की वजह से होगा। इस फोर्स की वजह से इस तरह से क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, एंड यूडीएल की वजह से भी क्लॉकवाइज हो रहा है। बट हमें पता है कि राइट साइड में जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव होता है, तो क्लॉकवाइज है, इसका मतलब जो हमारा बेंडिंग मोमेंट आएगा वो निगेटिव में आएगा। तो 3 किलो न्यूटन की वजह से बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 3 × perpendicular distance दैट इज x, 3x हो गया, ठीक है। एंड इस यूडीएल की वजह से क्या हो जाएगा, यूडीएल में फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना है x × 2, ये तो फोर्स हो गया, ठीक है। एंड यूडीएल के केस में हम मान के चलते ये बीच में लग रहा है ना, फोर्स बीच में लग रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल x है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, आधी कितनी हो जाएगी, xy2, ठीक है। तो -3x माइनस ये 2 × कर जाएंगे x², ये हमारा बेंडिंग मोमेंट आ गया एट दिस सेक्शन। तो यहाँ पे एंड यहाँ पे निकालने के लिए हमें बस x की वैल्यू इसके लिए 0 एंड इसके लिए x की वैल्यू 2 रखनी होगी। इसको किस तरह से लिखेंगे, BMD के लिए SFD तो हम ड्रॉ कर चुके हैं, BMD के लिए बेंडिंग मोमेंट जो हमारे सेक्शन पे वो हमें इतना मिला है, ठीक है। तो जब x B के लिए x की वैल्यू 0 रखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट भी हमारा 0 आ जाएगा। एंड ए के लिए जब हम बेंडिंग मोमेंट की जब एक्स की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट हमारा -10 किलो न्यूटन मीटर आएगा। अगेन बेंडिंग मोमेंट के लिए भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे कितना मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है, इस पॉइंट पे हमें -10 मिल रहा है, माइनस मिल रहा है, इसका मतलब नीचे की तरफ, ठीक है, -10 नीचे की तरफ कर लिया ड्रॉ। एंड यहाँ पे देखो ये x² में आ रही है, इसका मतलब ये जो लाइन होगा पैराबोला होगी। जब से पावर जो होती है वो 1 होती है तो स्ट्रेट लाइन बनती है, एंड स्क्वायर होता है तो पैराबोला बनता है, तो ये पैराबोला की तरह हम इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमें हमारा बीएमडी मिल जाएगा। इस केस में सिंस एक ही सेक्शन लेके हमें काम करना था तो बहुत ईजिली हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।